मेष राशि के जातक, मेरे प्रिय राशि के जातक, मेष राशि वाले के आने वाले 8 साल कैसे रहेंगे जानिए। करियर, व्यापार, वैवाहिक जीवन का हाल रहने वाला है बेहद खास, तो बिना देरी के हम जानते हैं। अगर आप मेष लग रही हैं, मेष राशि के जातक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रोमांचक रहने वाली है। आपके लिए 2024 खुशियों से भरा रहने वाला है, आत्मनिर्भर होने वाले हैं। 2023, 2024, 2025 का आधा साल इनकम के दृष्टिकोण से और बेहतर होता चला जाएगा। यानी 2023 से दिसंबर से पकड़ पकड़ते हुए 2024 में आपकी इनकम चरम सीमा पर होगी। इस अवधि में आय के नए नए स्रोत बनेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आपको शारीरिक रूप से थोड़ा कष्ट हो सकता है, सिर में पीड़ा हो सकती है। वहीं 2025 का आधा साल, 2026-27 का वर्ष आपके लिए धर्म से जोड़ने वाले रहेगा। वहीं धार्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा, साथ ही धर्म कर्म के कार्यों में आपके रुपए खर्च होंगे। वो कहते हैं जब इंसान धनवान बन जाता है तो धार्मिक हो जाता है। दान दक्षिणा करना, धार्मिक कार्यों में रुपए को खर्च करना उसकी आदत हो जाती है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है मित्रों। तो यानी 2023 के दिसंबर से शुरू होकर 2024, 2025, 2026 और 2027 आपके लिए बेहद से भी खास रहने वाले हैं। 2027 तक आपके इनकम में तगड़ा इजाफा होने की वजह से आप धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे के साल मित्रों। ये साल रहेंगे शुभ, जिससे गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जमकर बरसेगा। वहीं आपके लिए सबसे शुभ जो रहने वाला, सबसे ज़्यादा जहां पर आपकी तरक्की चरम सीमा पर होगी, वो साल रहेगा 2026। इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। इस साल आप वाहन प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वहीं जमीन जायदाद लेन देन से मुनाफा होगा। वहीं अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको साल 2026 किसी उच्च पद को दिलाएगा। यानी 2026 आपके लिए आपकी ड्रीम्स को पूरा करने वाला होगा। साथ ही 2023, 2024, 2025 के आधे साल तक आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी, नए कामों की शुरुआत होगी, समस्त ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 2023 से 2024 तक देवगुरु का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, इसका लाभ उठाने का समय आ चुका है मित्रों। वहीं वर्ष 2027 में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से मेष राशि के ऊपर रहेगी, जो आपको धन लाभ कराएगी। धन लाभ के अनेकों माध्यम आपके जीवन में आएंगे, अनेकों प्रकार के कार्यों से आप धन कमाएंगे मित्रों। चलिए जानते हैं कि आपके लिए कष्टकारी साल कौन से रहने वाले हैं मित्रों। आपके लिए जिन साल तारीखों में, जिन साल में कष्ट आने वाला है, और वो कौन सा ग्रह आपको कष्ट देने वाला है, और उससे आपको बचाव के लिए क्या एक छोटा सा काम करना होगा, तो बिना देरी के हम दोस्तों जानते हैं। मेष राशि के जो जातक है, जिनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय 2028 और 2029, 2030 ये थोड़े कष्टकारी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि देव जो है वो नीच के हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको शनि का जो है अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपको शारीरिक कष्ट होगा, शारीरिक रोगों से परेशान होंगे। वहीं वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ मनमुटाव होगा, आपके साथ कोई धोखा चीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर द्वारा, आपके भरोसे का खून होगा, दस्तावेजों से छेड़खानी होगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप बजरंग बली की शरण ले लीजिए, शिवालय पर प्रत्येक रोज जल चढ़ाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को पीपल के वृक्ष पर दीपक लगाए, कल्याण